जब आप अपना समय अपने ऊपर खर्च करते हैं ना दोस्तों, तो आने वाले समय पर लोग आपको गूगल पर सर्च करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों 18 साल बाद आपकी राशि में राहु देव प्रवेश करने वाले हैं और लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस टॉपिक का कि राहु देव मीन राशि में आ रहे हैं 18 साल के बाद, तो मीन राशि के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 में राहु देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मई 2025 तक यानी कि 1.5 साल तक आपकी राशि पर विराजमान रहेंगे। आज हम ये जानेंगे कि राहुदेव के 1.5 साल, राहुदेव के 18 महीने आपके जीवन में क्या बदलाव राहुदेव लेकर आएंगे 30 अक्टूबर 2023 से। और इसके साथ साथ इससे पहले राहुदेव जब आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे तो राहुदेव पहले आपको क्या फल दे रहे थे, राहुदेव ने आपको पहले क्या फल दिया और फिर 30 अक्टूबर 2023 के बाद क्या फल देंगे, ये हम सब कुछ जानेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, राहुदेव एक ऐसे प्लैनेट हैं जो एक राशि पर 1.5 साल तक रहते हैं फिर राशि परिवर्तन करते हैं। राहु केतु शनि देव का हमारे जीवन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, एकदम से प्रभाव पड़ता है, तभी तो कहते हैं कि रंग से राजा, जमीन से आसमान तक ले जाने वाले प्लैनेट होते हैं राहुदेव। चलिए करते हैं शुरुआत, मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और अगर जन्म कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं तो सिर्फ चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जो भी कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं ना आपके, चेक कीजिएगा पहले, वो स्कैम होता है। चलिए अब आपको ध्यान से सुनना होगा, बहुत ध्यान से। 30 अक्टूबर को राहु देव आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर लेंगे, आपकी राशि पर ट्रांजिट कर लेंगे और शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं कि राहु देव आपको इससे पहले क्या फल दे रहे थे सेकंड हाउस में बैठ के, ठीक है, समझना आप ध्यान से और कमेंट करना। राहु आपके सेकंड हाउस में थे, अभी भी सेकंड हाउस में है 30 अक्टूबर तक। सेकंड हाउस होता है धन कुटुंब वाणी का, कहीं ना कहीं राहु देव ने आपको गलत संगति में डाला होगा। गलत संगति में डालना मतलब कि हो सकता है कि ड्रिंक करना या फिर कोई भी नशीली चीजें, गैर परंपरावादी कार्य में डाला होगा राहु देव ने कुछ परसेंटेज, ऐसा नहीं कि सभी को, सभी फीमेल को, मेल को, कुछ परसेंटेज डाला होगा। सेकंड हाउस में राहु देव जब होते हैं ना तो यहां पर फैमिली तनाव कर देते हैं, वो भला क्यों, क्योंकि सेकंड हाउस होता है परिवार का और परिवार वाले स्थान में राहु देव का बैठना कुटुंब परिवार में तनाव राहु देव डालते हैं, मानसिक तनाव भी राहु देव जरूर देते हैं और अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं देते राहु देव जब सेकंड हाउस में बैठते हैं, तो यानी कि यह फल आपको राहु देव ने दिया होगा। और दांतों से रिलेटेड परेशानी, दांतों से रिलेटेड कुछ तकलीफें होना, यह राहु देव ने आपको दिया होगा सेकंड हाउस में बैठ के। और कभी कभी सडनली वो चीज बोलना जो आपको नहीं बोलना है, क्योंकि सेकंड हाउस होता है वाणी का, वो चीज बोलना जो आपको नहीं बोलना है, जो आप बोलना ही नहीं चाहते हैं लेकिन राहु देव ने वो चीज भी आपसे मतलब करवाया होगा और आपसे बुलवाया होगा। राहु देव की दृष्टि पहले कहां पे थी, आपके आपके 8th हाउस में थी, आपके 6th हाउस में थी। यहां पर राहु देव ने कहीं ना कहीं आपके ऋण, रोग और शत्रु भी एक्टिव करे होंगे जरूर, या तो फिर ऋण, या तो फिर रोग, या तो फिर शत्रु, इन तीन चीज में से एक चीज आपके ऊपर राहु देव ने एक्टिव करी होगी मीन राशि के ऊपर, जरूर कुछ ना कुछ करा होगा। लेकिन चलिए अब हम ये जानते हैं कि राहु देव 30 अक्टूबर के बाद नेगेटिव पॉजिटिव क्या आपको फल देने में सक्षम रहेंगे 1.5 साल तक। सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिनको दांतों से संबंधित या फिर जिनको नशीली चीजों से संबंधित कुछ परेशानी थी या जिनको बहुत ज्यादा हैबिट लग चुकी थी, जो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे, वो ये राहुदेव के परिवर्तन से बाहर निकलने में सक्षम भी होंगे, निश्चित होंगे। जिनको अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं था, जिन व्यक्तियों को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी सभी मीन राशि वाले व्यक्तियों को, जिनको अपनी वाणी पर कंट्रोलिंग नहीं थी, जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में पड़ रहे थे, जिनका पेशेंस लेवल डाउन हो रहा था, जिनको धैर्य की कमी बनी हुई थी, तो ये राहु देव के परिवर्तन से आपके जीवन में परिवर्तन होने की संभावना बन जाएगी।
राहुदेव सेकंड हाउस से निकलकर जब फर्स्ट हाउस में आएंगे, तो एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि जो मीन राशि वाले व्यक्ति मैरिड हैं और इसके साथ साथ अगर फैमिली की प्लानिंग करेंगे 30 अक्टूबर के बाद, तो उनके लिए यह पॉजिटिव रहेगा। जब सेकंड हाउस में राहुदेव थे तो आप कंसीविंग में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आना, या फिर डिले होना, या फिर चिंता होना। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा आपसे, जो कुछ नेगेटिव है और इसका आपको ध्यान रखना है और लास्ट में उपाय फॉलो करने हैं। राहुदेव जब आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे ना, तो पंचम भाव पर राहुदेव की दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा के ऊपर राहुदेव आएंगे। जो लव रिलेशन में है, जो भी मीन राशि वाले व्यक्ति लव रिलेशन में है, ध्यान दीजिएगा 30 अक्टूबर के बाद राहु की दृष्टि जब भी गोचर में पंचम भाव में पड़ती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग करवाती है या फिर फाइट करवाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है लव रिलेशन में, तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। और चंद्रमा के ऊपर जब राहुदेव आते हैं, 18 साल बाद आए हैं, बिल्कुल 18 साल बाद आए हैं, सत्य आपके चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा मन होता है और राहुदेव एक छाया ग्रह, एक भ्रमित प्लैनेट माने जाते हैं। आपके मन को, आपके ध्यान को, आपके इमोशंस को बढ़ाकर आपके अंदर मन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग को बढ़ा देंगे। इसके साथ साथ आपको डाउट, भ्रमित, कंफ्यूजन्स भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि राहुदेव एक पापी ग्रह हैं, राहुदेव एक छाया ग्रह हैं और चंद्रमा हमारा मन होता है, चंद्रमा हमारा मन होता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन को भ्रमित कर देते हैं और आपके डिसीजंस पावर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, मैं ये खरीदना चाहता हूं, मैं ये लेना चाहता हूं, लेकिन वहां पे आपके जो डिसीजंस हैं वो थोड़े वीक पड़ सकते हैं। इसका विशेष आपको ध्यान देना होगा, कुछ उपाय फॉलो करने होंगे, और खासकर लव रिलेशन, खासकर आपकी पढ़ाई में राहुदेव थोड़ा सा आपको भ्रमित करेंगे ये ट्रांजिट से। तो ये कुछ नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है, ये जरूर कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरा काम नेगेटिव पॉजिटिव बताना नहीं है, मेरा काम वो है जो एग्जैक्ट राहुदेव का परिवर्तन आपको दे सकते हैं, सक्षम फल देने में। हाँ, ये चीज है कि आपके ऊपर जो ऋण, जो बहुत ज्यादा आपके ऊपर एक्टिव हो रहे थे, ऋण आपके ऊपर आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु आपको बहुत ज्यादा जो है परेशान कर रहे थे, ठीक है, या बहुत ज्यादा आप परेशान थे रोगों से, तो उन चीजों में थोड़ा सा आप बाहर निकलेंगे, ऋण से आप बाहर निकल सकते हैं, कर्ज मुक्त हो सकते हैं राहुदेव के परिवर्तन से। तो ये कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, परिवर्तन आपके करियर में, आपके व्यापार में, आपके फाइनेंस में देखा जा सकता है। राहुदेव की दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम पे पड़ेगी। पंचम होता है प्रेम प्यार का और पढ़ाई का, थोड़ा वहां पे ध्यान रखना। सप्तम होता है मैरिड लाइफ का, वो मैंने आपको बता दिया। नाइन्थ हाउस होता है भाग्य का और पिता का। दोस्तों, राहुदेव का यह परिवर्तन हालांकि मीन राशि के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं है, यह मैं आपको बता दूं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा के ऊपर राहुदेव रहेंगे, शनिदेव की 7.5 भी चल रही है और राहुदेव का यह गोचर फर्स्ट हाउस में ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज रखेगा, बस आपको ऋण रोग शत्रुओं से बाहर निकालेगा और आपकी सेविंग्स को जो नहीं हो रही थी वो थोड़ा ठीक कर देगा। लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर्स में, तो आप जल्दबाजी में किसी भी चीज का डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है, वो आपके लिए खराब हो सकता है। आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना अपने कार्य क्षेत्र में, और कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपनी कुंडली का परामर्श करवा लीजिएगा, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला रहेगा। क्या उपाय करने चाहिए मीन राशि को, ये राहु देव के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए, रोजाना पक्षियों को दाना पानी दीजिए, अपनी छत पे रोजाना दीजिए, अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप रोजाना राहुदेव का बीज मंत्र करें, ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम स रावे नमः। शनिदेव का बीज मंत्र भी करें, शनिदेव के 7.5 चल रही है, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार सूर्य अस्त हो जाने के बाद, और गुरु का बीज मंत्र करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें रोजाना। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।